রাষ্ট্রীয়ত কয়লা উত্তোলন সংস্থা ভারতীয় কুকিং কল লিমিটেড জিএম কার্যালয়ের সামনে লাগাতার 16 দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ করে চলেছে কুলটির জমিদার সদস্যরা। তাদের দাবি, বিসিসিআই তাদের কাছ থেকে চাকরি বদলে জমি নিয়েছে, কিন্তু জমি রেজিস্ট্রি হওয়ার পর মেডিকেল হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত চাকরি দেওয়া হয়নি। তাই তারা ধর্নায় বসে অবস্থান বিক্ষোভ 16 দিন অতিক্রম করেছে, কিন্তু বিসিসিএল কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। রিও রিপোর্ট সমাজিত ইসি। तो क्या समस्या अभी तक आप लोग का निकला है? 16 दिन से आप लोग घर में बैठे हैं। 5-6-7 साल से हम लोगों का जमीन काट दिया है। सब लड़का लोगों का रजिस्ट्रेशन जमीन का हो गया है, मेडिकल हो गया है, गेट क्लियर हो गया, फिर भी अपॉइंटमेंट लड़का नहीं छोड़ रहा है। कुछ आदमी लोगों का जमीन काट दिया है और रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। हम लोगों का मांग यही है कि जिन जिन लोगों का जमीन आप लोग खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है, उन लोगों का जमीन रजिस्ट्री कर लीजिए, और जिन लोगों का अपॉइंटमेंट सब क्लियर है, अपॉइंटमेंट छोड़ने वाला है, वो अपॉइंटमेंट छोड़ दीजिए। आप लोग कितने दिन से बैठे हुए हैं? 16 दिन से बैठे। अभी तक क्या निर्देश आया है जीएम की तरफ से? कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ एक बार, इससे पहले जो जीएम है अपूर्व दत्त जीएम था, वो हम लोगों को मीटिंग में बुलाया था। हम लोगों पर 5 तारीख से रजिस्ट्री शुरू होगा, और 5 तारीख से अगले 5 तारीख से 5 तारीख चला गया, उस 5 तारीख से रजिस्ट्री शुरू होने वाला था, और अपॉइंटमेंट लेटर छोड़ देने का 7 दिन का टाइम रहेगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, उससे पहले जीएम को बदली कर दी। हम लोग का ऐसा लग रहा है कि जैसे जमा पेंट सब चेंज करता है, उस तरह से मैनेजमेंट जीएम चेंज कर रहा है। अभी आप लोगों का क्या है? अभी हम लोगों का राय है कि हम लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर छोड़ दे सबका, जिन जिन जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका रजिस्ट्रेशन कर दे। नया जीएम जो है उससे आप लोगों का बातचीत हुआ? बातचीत कुछ हम लोगों को बुलाता नहीं है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग का धरना चलेगा जब तक। आपका नाम? कितने लोग हैं यहाँ पे धरना? हम लोगों के साथ अभी 30 लोग हैं।